दोस्तों देश में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन का माहौल पूरी तरीके से यहाँ पे देश में बन चुका है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आप रैलियां निकाल रही हैं, चुनावी एजेंडे बनाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का माहौल बन चुका है, फ्री राशन दिया जा रहा है लोगों को, फ्री सिम निकाली जा रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है और जम के यहाँ पे पैसा उड़ाया जा रहा है इलेक्शन पर, ताकि लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आगे आए और उनकी पार्टीज को वोट करें। इनफैक्ट इंडिया तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और इतना लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके वजह से यहाँ का जो इलेक्शन होता है वो काफी लंबा और सबसे महंगा होता है। अगर मैं साल 2019 का ही आप एग्जांपल दूं तो इंडिया का जो इलेक्शन था लोकसभा का 2019 का, वो पूरी दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन था। और होपफुली इस साल का जो इलेक्शन होने वाला है वो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा और ये दुनिया का फिर से महंगा इलेक्शन बन जाएगा। लेकिन हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, इलेक्शन कमीशन की इतनी प्रिपरेशन के बाद भी, नेताओं के पॉलिटिकल गेम्स के बावजूद भी, इस साल का जो फेज वन का वोटिंग है वो यहाँ पर पिछले साल से भी कम रहा है। यानी कि इंडिया में अभी तक जिन जिन स्टेटों में फेज वन और फेज टू के इलेक्शन हो चुके हैं वहां पर साल 2019 से भी कम वोटिंग देखने को मिली है। इस बात अगर हम पहले बिहार की करें तो साल 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में बिहार में टोटल 53% की वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इस साल 2019 में इससे भी कम वोटिंग देखने को मिली और ये कम होकर 48.23% पर आकर रह चुकी। राजस्थान में सेम कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले 3-4 महीने पहले जब राजस्थान में सीएम पद के लिए यहाँ पे इलेक्शन हुए थे तब टोटल वोटिंग जो यहाँ पर थी वो 74% की रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन राजस्थान में तो इस बार बहुत ही बुरी तरीके से वोटिंग टर्नआउट गिरा। इस साल 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें खाली 57% ही यहाँ पर ये आंकड़ा आकर रह चुका है, यानी कि 17% लोग यहाँ पर वोट देने ही नहीं गए। यानी कि आप मान लीजिए कि लाखों ऐसे वोटर्स हैं जो कि लोकसभा इलेक्शन में वोट ही देने नहीं। सेम ऐसी चीजें महाराष्ट्र में भी देखी गई है, सेम ऐसी चीजें बैंगलोर, कर्नाटक, सब जगह देखी गई है। और मजे की बात तो यहाँ पर ये है कि हर 5 साल में बैंगलोर में कम वोटिंग का रिकॉर्ड लगातार हर 5 साल में टूटता ही रहता है और इस बार वापस से बेंगलुरु के लोगों की लापरवाही की वजह से साल 2019 में जो कम वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा था उसे फिर से इस साल और भी कम वोटिंग करके तोड़ दिया गया। देश में बेंगलुरु के जैसी एक डेवलपिंग सिटी, हाई लिटरेसी रेट वाली सिटी, हाई एजुकेटेड लोगों के होने के बावजूद भी आखिर यहाँ पर क्या कारण बन रहा है कि साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया हर जगह इस साल कम वोटिंग देखने को मिल रही है। एक बार तो चलो मान भी लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया के स्टेट जहाँ पर लिटरेसी रेट इतनी ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर शायद लोगों को उनके पॉलिटिकल राइट्स यानी कि वोटिंग का जो इंपॉर्टेंस है उन्हें उनके बारे में नहीं पता होगा, तो मान सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे वोटिंग टर्नआउट कम होता होगा। लेकिन साउथ इंडिया जैसे स्टेट जहाँ इतनी हाई लिटरेसी रेट है, यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उसके बाद भी क्यों हर 5 साल में वहाँ कम वोटिंग का रिकॉर्ड टूट जाता है और हर साल यहाँ पे वोटिंग कम ही देखने को मिलती है लगातार। इस चीज के पीछे आखिर क्या रीजन है, आखिर क्या लोग सोच रहे हैं जिसके वजह से वो वोटिंग करने ही नहीं जा रहे? क्यों इंडिया में इस साल 2019 के मुकाबले और भी कम वोटिंग देखने को मिल रही है? ये क्रैक करते हैं लोगों के माइंडसेट, लोगों के विचार, उनके थॉट्स को और ये भी जानते हैं कि क्यों आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर वोटिंग देने ही नहीं जा रही थी। अगर हम डायरेक्टली अपने मुद्दे पर आए और इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करें कि आखिर क्यों देश में हर राज्य में आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो वोटिंग करने ही नहीं जाते, वो लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि वो वोट देने ही नहीं जाते, और इनफैक्ट जो ज्यादा एजुकेटेड राज्य है जहाँ पर लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई का रेट जो बहुत ज्यादा, ऐसे जो राज्य है वहाँ पर तो और भी कम वोटिंग देखने को मिली, तो उसके पीछे की क्या मानसिकता है, क्या कारण है? तो उसकी बात करें तो उसके पीछे सबसे मेजर रीजन है दे डोंट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। देश में सबसे मेजर रीजन की बात करें जिसके कारण लोग यहाँ पर वोट डालने ही नहीं जाते, उसके पीछे का कारण है कि आधी से ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन सरकार पर निर्भर ही नहीं रहती। अगर आप देश में इलेक्शन के, पिछले इलेक्शन के वोटिंग के रिकॉर्ड को, डाटा को उठा के देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि देश में जो रूरल एरियाज है, जो गाँव के एरियाज होते हैं वहाँ पे हर बार सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिलती है, और जो यहाँ पे शहर के एरियाज होते हैं, जो अर्बन एरिया होते हैं, वहाँ पे हर साल यहाँ पे कम वोटिंग ही देखने को मिलती है और यहाँ पर कम लोग वोटिंग देने में इंटरेस्ट होते हैं। साथ ही जहाँ पर तो सबसे ज्यादा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट होती है, जो ज्यादा लिटरेसी रेट वाले स्टेट्स होते हैं, सिटीज होते हैं, वहाँ तो और भी कम वोटिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेंगलोर का ही देखो तो हर 5 साल में वहाँ पे कम वोटिंग के नए नए रिकॉर्ड बनते हैं। पर इन शहरों में कम वोटिंग इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो सरकार पर डिपेंडेड ही नहीं रहते। शहरों में क्या होता है कि जो मिडिल क्लास होते हैं, जो अपर क्लास की फैमिली होती है, उन्हें पता होता है कि देश में सरकार कोई भी है, कोई भी सरकार बने, उन्हें 1 रुपए का उनसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी बेनिफिट उन्हें यहाँ पर मिलने वाला है वो सिर्फ अपनी नौकरी से, अपनी कमाई से मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर शहरों में जो लोग होते हैं वो वोटिंग देने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि सरकार से उन्हें यहाँ पर पहले से ही पता होता है कि जो भी सरकार यहाँ पर सत्ता में आने वाली है वो उन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, उन्हें उससे कोई आशा ही नहीं है, उन्हें कुछ उन्हें मिलने वाला ही नहीं। जैसे बेंगलोर जैसे शहरों में क्या होता है, हर साल पूरे देश में सबसे कम वोटिंग दिखती है क्योंकि वहाँ पर ज्यादा लोग यहाँ पर
सरकार पर डिपेंड नहीं रहते। देश के हर सिटी में यही हाल होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे सबसे मेजर रीजन की बात करें अगर कि इस साल वोटिंग कम के नोट ली गई तो उसके पीछे का कारण यहाँ पर माइग्रेशन भी। अब होता क्या है कि देश में हर एक राज्य ऐसे होते हैं जिसमें लाखों की संख्या से लोग माइग्रेशन करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर नौकरी, यहाँ पर अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। ऐसे में क्या होता है कि जो माइग्रेट लोग होते हैं जो कि लाखों की संख्या में होते हैं वो अपने राज्यों को छोड़ के दूसरे के राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर वो अपने नौकरी में जो व्यवसाय है उनमें वो बिजी हो जाते हैं। वो लोकल गवर्नमेंट, लोकल पॉलिटिक्स पे, इलेक्शन पे यहाँ पर खुद को सेपरेट कर लेते हैं, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे बिजी एम्प्लॉयज भी होते हैं जो जिस रीज़न की वजह से माइग्रेट हुए दूसरे राज्यों में उन सभी चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो उन्हें पता है कि सरकार से उन्हें यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए वो सरकार को यहाँ पर चुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। अब ऐसे में इलेक्शन अगर वीकेंड पर भी आ जाए तो और बड़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे माइग्रेट लोग होते हैं जो नौकरी के लिए यहाँ पर दूसरे राज्य में गए होते हैं, वो यहाँ पर एक वीकेंड का डे होता है, छुट्टी का दिन होता है, उसे वहाँ पर इंजॉय करना पसंद करते हैं रेदर देन लंबी लाइन में लगकर वोट देने से। तो ऐसे कारण की वजह से भी यहाँ पर इस साल वोटिंग कम देखने को मिलती है। तीसरा रीजन की बात करूं अगर मैं तो वो है अनसुटेबल कैंडिडेट। आज के टाइम पर क्या है कि शहरों में रहने वाले जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो यंगर जनरेशन है, वो सरकार पर एक तो डिपेंड रहती नहीं है और कुछ भी वो सरकार से एक्सपेक्ट नहीं करते सिवाय रोजगार के। जो यंगर जनरेशन होती है वो सरकार से खाली यही चाहती है कि उन्हें वो रोजगार दे, लेकिन यहाँ पर सरकार रोजगार देने में भी बहुत सफल नहीं हो पाती। तो आज के टाइम की जो इंडिया की यंगर जनरेशन है वो पॉलिटिक्स को एकदम रूप से समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि चाहे राइट विंग के कैंडिडेट हो चाहे लेफ्ट विंग के कैंडिडेट हो, कोई भी यहाँ पर ऐसा सूटेबल नहीं है जो उनके लिए काम करने वाला है। यहाँ पर कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बॉलीवुड से आ गए हैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स में, जिन्हें कोई ज्ञान भी नहीं है। यहाँ पर तो ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनके पास जमकर पैसा होता है, जो पैसा सिर्फ वो इलेक्शन में जीतने के लिए खर्चा करने वाले हैं, विकास के कामों में नहीं। लोग यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं कि राइट विंग का कैंडिडेट और लेफ्ट विंग का कैंडिडेट दोनों यहाँ पर कोई ऐसा बेहतर नहीं है जो उनके लिए काम कर सके, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो यंग जनरेशन जो लोग होते हैं वो यहाँ पर वोटिंग करना ही पसंद नहीं करते। और अभी की जो स्थिति भी चल रही है राइट विंग में, आप देखोगे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, लद्दाख एंड फार्मर प्रोटेस्ट, बिना अपोजिशन के जीतना और दूसरी तरफ लेफ्ट विंग का बेकार मैनिफेस्टो, हर 5 साल में 5 MP लाने की योजना है, अपनी पार्टी के नेता का विकास कर सके ऐसे पर्सनल बेनिफिट की योजना है। तो यही कारण है कि इस साल यहाँ पर पिछले सालों से भी कम वोटिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्शन रोल यानी कि जो जेन्युइन वोटर इन्फॉर्मेशन डाटा होती है उन्हें यहाँ पर डिलीटेशन की वजह से यहाँ पे इस साल वोटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा कि क्या कारण है कि खासकर इस साल देश में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग देखने को मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोस के लिए।